नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के विशेष विद्यार्थियों की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के नियमित विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों की टर्म 2 की परीक्षा 26 मार्च से करवाएगा। परीक्षाएं 8:45 से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के संदर्भ में डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों से संबंधित सुविधा का विवरण केंद्र समन्वयक अध्यक्ष उप अध्यक्ष और पर्यवेक्षक स्टाफ के लिए संबंधित निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों के उचित सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए ही बैठने की व्यवस्था करनी होगी। विधानसभा सत्र, शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में पदोन्नति से जल्द नियुक्त होंगे 300 प्रिंसिपल। जी हां, प्रश्नकाल के दौरान विधायक जियालाल के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। सरकार ने फैसला लिया है कि पदोन्नति और नई भर्ती के दौरान शिक्षकों को दूर दराज के स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी MBBS BDS काउंसलिंग के दूसरे चरण में सारी सीटें फुल। जी हां, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS और BDS की दूसरी काउंसलिंग में सरकारी कोटे की सभी सीटें भर गई है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया को 11 मार्च को पूरा कर लिया है। निजी कॉलेज में अभी भी MBBS की 40 और BDS की 70 सीटें रिक्त पड़ी हुई है। अब इन सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड 19 मार्च के बाद करवाया जाएगा। संघ सेवा आयोग परीक्षा 14 मार्च तक पसंद का केंद्र चुन सकेंगे अभ्यर्थी। जी हां, संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को करवाएगा। इसमें भारतीय वन सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल हैं। आयोग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के इस परीक्षा के लिए 2 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र धर्मशाला और मंडी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रशासनिक सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा 2022 के आवेदक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने के लिए एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए आवेदकों से 2 चरणों में उनकी पसंद मांगी जाएगी। HPU शिमला, UG के इंटरनल असेसमेंट में फेल विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे वार्षिक परीक्षाएं। जी हां, स्नातक डिग्री कोर्स की अप्रैल माह में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 12 अंक लेना अनिवार्य होगा। जिन विद्यार्थियों के इससे कम अंक होंगे या जिनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से एग्जाम पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनके ऑनलाइन सिस्टम में एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राचार्यों से कहा गया है अप्रैल माह में शुरू होने वाले स्नातक डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं से पहले हर हाल में कॉलेजों को हर छात्र का इंटरनल असेसमेंट विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपलोड करना होगा। हर हाल में कुल 30 अंकों में से न्यूनतम 12 अंक लेना जरूरी होगा। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड, कंपार्टमेंट वाले प्रशिक्षकों को किया प्रमोट। जी हां, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2019-21 के उन प्रशिक्षकों को प्रमोट कर दिया है जिनका परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट रहा था। इन अभ्यर्थियों को अब ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इस दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम वाले अभ्यर्थी को राहत मिलेगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2019-21 के अभ्यर्थियों को राहत दी है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षकों को यह राहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के बाद दी है। कर्मचारी चयन आयोग बिजली बोर्ड में जई भर्ती के लिए 21 मार्च को होगी मूल्यांकन परीक्षा। जी, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 829 में राज्य बिजली बोर्ड उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 156 पदों को भरने के लिए होने वाली मूल्यांकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संशोधित सूची जारी की है। अब 21 मार्च 2022 को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा होगी। आयोग ने इन पदों को भरने के लिए सितंबर 2020 में आवेदन मांगे थे। इसके लिए 9,905 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 77-25 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री हादसा, मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश।
जी हरोली उपमंडल के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हुई मौतों और घायलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख, 50% झुलसे कामगारों को 15 लाख, 25 से 50% झुलसे कामगारों को 10 लाख, 5 से 25% झुलसे घायलों को 5 लाख रुपये और साधारण प्रभावितों को 2 लाख रुपये मुआवजा 1 महीने के अंदर देने के आदेश पारित किए हैं। एमसी शिमला चुनाव शहर के 41 वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी, सदन में 21 महिलाओं का पहुंचना तय। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में नगर निगम के चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को वार्ड वाइज रोस्टर जारी कर दिया। आरक्षण रोस्टर के अनुसार नगर निगम के कुल 41 वार्डों में 21 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखे हैं। इसमें 70 वार्ड महिलाओं और 4 वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए महिला पुरुष आरक्षित किए हैं। मई जून में नगर निगम के चुनाव करवाए जाने प्रस्तावित हैं। महिलाओं के आरक्षित वार्डों को मिलाकर देखा जाए तो इस बार नगर निगम सदन में कम से कम 21 महिला पार्षदों की एंट्री तय है। ऐसे में सिर्फ 20 वार्डों में से ही पुरुष उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता सकेंगे। हिमाचल विधानसभा गोवंश सड़कों पर छोड़ने वालों को होगी सजा, कानून में संशोधन करेगी सरकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार एनिमल एक्ट 1871 को संशोधित करेगी। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 2 माह में सभी गोवंश को टैग लगाने का काम पूरा होगा। केंद्र सरकार से इस बाबत मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी नीतिगत फैसला लेने का विधानसभा में आश्वासन दिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर जिले में गो सदनों और गो अभ्यारण्यों को लेकर जानकारी मांगी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम जयराम, सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में से पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों का सेब भारतीय बाजार में आ रहा है, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। रेणुका बांध निर्माण के लिए पहली किस्त जारी, पर्यावरण भरपाई पर खर्च होंगे 586 करोड़। जी हां, राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध परियोजना के निर्माण को लेकर तबाह होने वाली वन संपदा को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए 586 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। रेणुका बांध परियोजना के माध्यम से यह राशि वन विभाग के खाते में जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही इस राशि को वन विभाग के कैंपा प्लान में जमा करवाया जाएगा, जिससे पर्यावरण की भरपाई की जा सके। सियासत, हिमाचल में भाजपा कांग्रेस की उम्मीदों पर झाड़ू चलाने अब दोगुने जोश से उतरेगी आप। जी हां, आपकी बम्पर जीत ने हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। आपका पहला लक्ष्य मई जून में होने वाले शिमला नगर निगम चुनाव है, उसके बाद इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एंट्री की तैयारी है। सत्तारूढ़ भाजपा और सत्ता वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस आपकी इस जीत से चिंता में पड़ गई है। महंगाई की मार, शिमला शहर में अब 75 रुपये में मिलेंगे भरपेट खाना, जिला प्रशासन ने तय किए दाम। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खाने की थाली पर महंगाई की मार पड़ी है। होटलों और ढाबों में भरपेट खाने के लिए अब 75 रुपये देने होंगे। पहले भोजन की एक थाली 75 रुपये में मिलती थी। जिला शिमला प्रशासन ने ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के दाम तय कर दिए हैं। हिमाचल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पीवीसी गत्ते व स्टील की कीमतें में बढ़ोतरी। जी, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के चलते फार्मा हब बद्दी में कच्चे माल समेत अन्य जरूरी सामान की कीमतें में वृद्धि होने लगी है। एल्यूमिनियम फॉयल के बाद अब पीवीसी गत्ते व स्टील के दाम में भी उछाल आ गया है। एल्यूमिनियम फॉयल पॉली जो 2 सप्ताह पहले तक 232 रुपये प्रति किलो था, अब 400 रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। बलिस्टर के दाम 260 से 500 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इससे फार्मा उद्योग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीवीसी 120 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 190 रुपये प्रति किलो हो गया। गत्ते के दाम में भी उछाल आया है। मोना कॉटन 85 से 95 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि बड़े कार्टन के दाम 32 से 40 रुपये तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।